हेलो हेलो सत श्री अकाल ते स्वागत सारेयां नूं वेलकम बैक टू आवर चैनल जिहदा नाम है प्रीत बाणी। यस गाइस, मैं ओही चीज हमेशा कहनी आ ते प्लीज हुण तां मेरी गल मन लो, विनती है तुहाडे अगे चैनल नूं कर दिओ सबसक्राइब, बेल आइकन दुबारा ना भुलना। बाकी जिहड़े साडे व्यूअर्स नवे ने साडे चैनल ते ओह तां प्लीज जरूर जाके चैनल नूं करो सबसक्राइब, साडी होर वीडियोज भी देखना ना भुलियो ते अपने कॉमेंट्स भी जिहड़े हैगे सोहणे सोहणे ओह देंदे रहो। बाकी अज लै के हाजिर होए जी इक होर वधिया जी वीडियो खान साहब ने मजा पूरा आएगा लाहौर में जगह जगह जाली पीर नाबीना और नजूमी सादा लो शहरियों को लूटने लगे। ए फ्रॉड करनो मुड़दा नहीं, हर वारी फड़िया जांदा फिर नहीं हटदा। आलिया नजीर बेगम को पूछी जांदे ए की होए गए, अपने दिमाग को भी काम लिया करो। मेरे को पूछो ना की तरक्की किस तरह हो सकती है, किस तरह हो सकती है। कमा दे जाओ, ऐसे बैठे रहते हो खबरनाक के बीच। तो खबरनाक में तुम्हारा ख्याल है हम फारिग बैठे होते हैं? फारिग बैठे होते हैं मान, जिन्नी मर्जी उर्दू बोलवे दे विच ओ काड़े दे पेंड नहीं जाने। अच्छा बेहूदगी मत करो। अच्छा बेहूदगी लगदा यार, जे बोलो तो लगदा कि तीन चार एमए किते ने या बीकर पड़े है। तुम्हें किसने कहा मैंने तीन चार एमए किए? अंग्रेजी इतनी बोलना जी, मैं पश्तो बोली थी मान, समझ नहीं आती अंग्रेजी किस तरह है। ये क्या फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो? फजूल बेतुकी, शुक्र करो जफर इकबाल सर तो अरमान पढ़ाता है उर्दू, थोड़ी सीधी कराती है। वीनस जाओगे तो धोतिया बेचनी है अरमान पहले सन थे जगह टैक्स लेना थी मालशिया को, तू कि सिर चसे नहीं मारो ले तरह ना। बगैर ब्रेक साइकिल होना सी। सही वो क्या होता है, साइकिल तो उतर के रोकना पैंदा। साइकिल मार के नहीं गए, तेन पता मेरी ब्रेक का ही नहीं, तू तू भी वेला इना हो। अच्छा तुम जिस दिन नबीना बनते हो उस दिन मेरी और ओकाड़ा की शामत आती है? शामत नहीं आती, मेरा मतलब तुम दोनों जी लेट डाउन कर दियो। भाई मैं तो तुम्हें भाई बनाने को तैयार हूँ, तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूँ। तुम्हारा मैं भरा बन गया, तुम मेरे को कम लेने जो हिसाब ही कोई नहीं। कोठे तो मरिया लाल है यह मतलब पिंड जाकर मुंडे की टेंडा करा नहीं, वो तू वाल वा के फिर मैं टेंड कर दी। शर्म आ, मैं भी शर्म आ, तुम पढ़े लिखे रहना होंगे मानो उड़े जो भी छोड़ो आप एक बार कैरम बोर्ड कराए थे देने करने सर। अरे कैरम बोर्ड तू कराए थे दिंदा इन्हें देने सर। सिर्फ करो कपड़े पा के आते हर गए परफ्यूम ला के अरे उन्होंने भी चाड़ पा उन्होंने तुरंत तो मेरा कैमरा टी लाइटिंग क्या है चंगे भले कारीगर मैं उन्होंने शर्मिंदा कर देंगे। ख्वाब ठीक नहीं आए क्या हो गया चिड़ते हो रही भी तेन नहीं ख्वाब चंगे फिर आ जाएंगे चंगे किसी भी दरबार से जाके उसे मुतका ला लेने बाबे मेरी तो कोई दुआई कबूल नहीं तुम कहे बाबे हो हाँ मैं किसी भी अंदर आने देना ना सफेदी आने देनी देखा कौन लगता है काम करो मैं बुजुर्गों ने मुतका लाया। हाँ जी ए बाजी आलिया नजीर ने कार्ड क्यों फड़े ने ताज क्यों फड़ी है यार ये भी एक आर्ट होता है हर गल ही आर्ट रहा तेरे को उड़ाना भी नहीं ना टका ना पैसा ना किराया होता है जाली इथोपियन। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो अल्लाह करे तू पूछ ले। बकवास ना कर बात सुन। मेरा सवाल तुमसे ये है जी कि अगर मैं हाँ जी को बोलिया भी करोगे रक्षा लैंड रोल जाते हो। बोल रहे ने जी जी फिलहाल तो चब रहे ने। चब रहे क्या होता है सर? चबा रहे हैं। और बाबा तू मेरे नाल हो ना माना बड़े रुपये इकट्ठे करा। कैसे? मैं कहूंगा ये दोनों गुरदे नवे बयान वाले ने झूठ की है। अच्छा तुम ये बताओ हाँ जी तुम्हें हमारे शो में बुलाता कौन है? फजूल शख्स बुलाता कौन है? 50 साल की उम्र हो चली तो तक बच्चे नहीं रख दे तुम्हें बुलाता कौन है? निकलो मारे घर से मैं पानी फेंक दूंगा तुम्हारे ऊपर। मैं सानू एवं बेबू बनाया है बड़े बूटों की टाप सुनाई दे रही है दिन दो सुनाई तुम कि मेघा लाइया
देख लेना अगर इसी तरह हम बेहिस रहे तो ये गर्म पानी हमसे छीन जाएगा, तू नहाना उसे बह गए, ये करप्शन हमारे आड़े आ जाएगी, जरा सदरों में फिक्र हो गए सुधा इन्हू हमें परेशानी पई। जे उसे बंदे रिटायर हो गए ना चौंक जी लोगों को ठगा लें, तुम्हें पता क्या होने वाला, ऐवे लोगों को समझ पाओ हम इंद्र ने इस मुल्क में 52 किस्म के फल हैं, 70 किस्म के सलाद हैं, तू बेचने रहे। लोगों ने, मैं आपको बता दूं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, तेन वो पहाड़ा की बर्फ पिघलती नजर आती है, जी गरीब की फटे पिघल डी वो नहीं नजर आती। वो तो दोस्त भी इन्हें इंज दी ने, अगर इस पहाड़ को हम यूं से यूं कर लें तो 35% का इजाफा होगा, ऊपर से तिलक के हम नीचे गिरेंगे तो 75% का हमें इजाफा होगा। अच्छा अग्रवाल साहब भी बैठे मशुरा देते हैं, आप हाथ नहीं हिलाते, यह भी मामले में रोंद रहे, आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, सारे कम शहर के जरिए बच्चे धोने लग पे, बच्चे खराब हो रहे हैं, हंसदा वसदा कारखाना खराब कर देता, वो तो खाना पकाने तरकीब यह दसदा कि खाना भी बीवियों कुटन लगे ने, और जिस तरह वो बना उसने क्यों नहीं बनाई, खोचल त्रीन आदमी भोली माई और पहले मिर्ची डाले उसको सुरख करे, फिर प्याज डाले ऊपर से पानी का यूं त्रौका लगा के उसको बंद कर दे, फिर कीमा डाले बड़े प्यार से नाल पटाखियां मादक चले बने बने भुख लगी, नींबू को यूं छोड़े इस तरह नहीं एक जगह पे नहीं ग्राउंड में, और साइडों तो आटा जरूर लूंगा, चांपे रख के थोड़ा सा घी डाल के साइडों में ना आटे से उसे पर नम कर दे, वो है गरीब आदमी चौ रोटियां का आटा होता है पतीली आले दौले लो तो जबानों में आंदा इना रोह पाया लोगों से, सारी दुनिया सदियों तो तहलका कहती आ रही, असं भी अखबारों जी बड़े सिनेमे ने भी लिखे इस फिल्म ने तहलका मचा दिया, वह नाम आता तहलुका, फिर बादा दी जा पुत्र तू सारी जिंदगी कैमरे आगे बैठा रहे। सिकंदर मीना ने जब इस खिते में आया तो उसके दारा की बेटी रुखसाना से शादी हुई भी सानू दसन डी देखा तोड़िया उसे। लोगों ने ऐसे पागल ही गौर ना सुन रहे, दारा ने सिकंदर को गेंद भेजा, बंदा पूछे सिकंदर स्पिनर सी, सोने का मटका भेजा उसकी बाजी की शादी सी। अच्छा ये तुमने पेंसिलें क्यों लगा रखी हैं? जी मैं अन्य ना चार्टेड अकाउंटेंट हूं, ठंड पई है। कैसे तुर्की बतुर्की जवाब देता है? तुर्की बतुर्की जवाब देता है, माता ने बैग नहीं सवारियां बनी कि नहीं, हमारे बैठा भैया इन्हें कनेक्टेड ही नहीं होना, लाहौर मुफ्त आने वास्ते आए उन्होंने हेल्प करने के लिए। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, इजाजत दीजिए यार गायब। मैं की बोला यार, कुछ बोला जो छड़े ही नहीं, इन्होंने इन्नी ज्यादा मैनु नहीं एक्सपेक्टेड सीगा कि इन्नी ज्यादा कॉमेडी होएगी इस वीडियो के बीच, मैनु एक्सपेक्टेड सीगा कि थोड़े बहुत जिदा होंगी है ना वीडियो हमेशा कि थोड़ी इंफॉर्मेशनल तो थोड़ी इदा वाली होएगी, तो उन्होंने 7-7.5 मिनट पता ही लगन दिते कि उड़ा दिए चुगले करके। क्या ऑब्जर्वेशन है यार, वो काले का कह कह के हफ्ता एक बार साल जी उन्होंने वह जून खराब की हुई है, तो वह वाला सब तो मेरे घैन लगी गल ना, कहते कहते गरीब बंदे को चौ रोटियां का आटा होता, वो भी कह के कहते पतीली का कोटे तो लवा दिता है। ओ यार भाई मतलब खत्म, मतलब इन्नी गल्ला कितों सोच सकती है बंदे यार, बंदा एक गल नूं करदा दो गल नूं करदा यार, बैक टू बैक 7.5 मिनट उन्होंने घट्टो घट्ट 30-35 गल्लां कीतियां होणियां उन्होंने, है ना उससे ज्यादा ही कीतियां होणियां, और क्या उन्होंने एक तो एक मतलब वाह यार वाह, मान साहब लैजेंड सीगे, मैनू हुण इही सोच के खुशी होंदी है कि हुण असीं किन्ने ज्यादा लकी हैगे कि साडे कोल एटलीस्ट उन्हां दी वीडियोस ते पईआं ने वेखण नूं, हुण असीं उह साडे विच अज नहीं हैगे, यादा है एटलीस्ट अजे अज भी असं कदम चुक के यूट्यूब ऑन करके असं कदम भी पूरी उन्होंने मैमरी को रिवाइव कर सकते हैं, जुगता सुन के मतलब अज जी कॉमेडी हैगी है तुम सारे पता ही है जी कॉमेडी हैगी है, उस अमान साहब की कॉमेडी ही घूम रही है चारे पास, सब उन्होंने अपने अपने तरीके यूज करके उन्होंने अपना चेंज कर रहे हैं, बट जो मेन जिस्ट हैगी है कॉमेडी की जी है ना मेन जी हैगी है कहते रूट हैगी है, वह अमानुल्लाह साहब की कॉमेडी के नाल ही मिलती है, वो जड़ा ही फैलिया हुई हैं
ਕੋਈ ਕੁਛ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬਟ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਥੂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਗਾਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਗਾਇਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਸ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕੁਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਗਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਚੀਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋੜੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੁੰਦਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਢਿੱਡ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖੀਆਂ ਦੁੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੁੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।